ताज होटल का खाना कैसा लग रहा है स्वाति? ताज होटल में खाना खा रही तुम? हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो आज हम लोग जाने वाले हैं, हम गरीब आदमी भैया, तो और आज हम लोगों ने एक ऐसा वो लिया है डिसीजन कि जो शायद ही एक मिडिल क्लास फैमिली वाला ले सके, लेकिन आज हमने डिसीजन लिया है कि मुंबई में ताज होटल है तो ताज होटल के अंदर जाकर हम खाना खाने वाले हैं। बिल आने वाला है, देख लो कितना आएगा, मुझे भी नहीं पता, मेरा डर लग रहा है अंदर से, लेकिन मैंने कहा चलो, मेरी वाइफ है, मेरी बहू है, तो अपनी बहू को मैं आज ताज होटल में लेके जाने वाला हूँ। तो लाइन पर बने रहे, पूरा ब्लॉग देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ताज होटल का एक्सपीरियंस मैं स्वाति को दिलवाना चाहता हूँ, मैं भी लेना चाहता हूँ, देखता हूँ कि अमीर लोग कैसे चाय पीते हैं, कैसे खाना खाते हैं वहाँ पे, हम भी खाएंगे, ठीक है? चक्कू से तो तैयार हो? तो निकलते हैं जल्दी से, 3 बज चुके हैं, आ जाओ। और सबसे बड़ी बात, मुझे डर भी लग रहा है कि ताज होटल के अंदर हमें एंट्री देंगे भी कि नहीं। शकल देख के ही ना, स्वाति की शकल देख के भगा ना दे, नहीं देंगे, स्वाति की शकल देख के ही तो एंट्री देंगे, मुझे तो एक बार को भगा भी देंगे, लेकिन स्वाति की शकल देख के, टिकटॉक स्टार, टिकटॉक बंद करवा दिया आपने, तो जल्दी चलते हैं, मेरे को डर लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है, कैसे एंट्री होती है, क्या होता है, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा, ब्लॉग पे बने रहे, और आज ये वाला बड़ा ब्लॉग बनाऊंगा मैं, छोटा छोटा 8 मिनट का, कब तक 8 मिनट का ब्लॉग बनाएगा, बड़ा ब्लॉग बना। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं ताज होटल जाने के लिए, ताज होटल चलते हैं, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस, पैदल जाएंगे यहाँ से स्टेशन तक, तो फिर उसके बाद टिकट खरीदेंगे लोकल ट्रेन में जाएंगे हम लोग ताज होटल। तो ऑनलाइन पे करके हमने टिकट ले लिया है, आएगा, अंधेरी स्टेशन, तो हम पकड़ेंगे चर्च गेट वाली फास्ट, 3:34 पे आएगी, जल्दी आओ। तो हमारी लोकल आ गई है चर्च गेट फास्ट ट्रेन, चलो स्वाति चलते में चढ़ो, नहीं तो स्वाति को खिड़की वाली सीट मिल जाती है, पता नहीं कैसे लोग स्वाति को खिड़की वाली सीट दे देते हैं। आज तो स्मार्ट लग रही है, सब तुम्हें देख रहे हैं। गेटवे ऑफ इंडिया में हम लोग आए हुए हैं, वो रहा ताज होटल, वो ताज रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर देखिए नाव में स्वाति का, चलोगी स्वाति? चलो पता करते हैं किस रेंज का है आप। हम लोग आ गए हैं पानी वाली नाव में, अभी ऊपर जाने वाले हैं, डर तो मुझे भी लग रहा है, गला मेरा भी सूख रहा है। हम लोग बैठ गए हैं पानी वाली नाव में, ये देखिए अभी आएंगे कैप्टन साहब, वो गाड़ी चलाएंगे, और गाड़ी हिल रही है, हमें लग रहा है डर, वो तेरा भला हो जाए, सीट नहीं है बाबू यहाँ बैठने की। पानी वाले जहाज में बैठ गए हैं, अब चलने वाला है थोड़ी देर में। मतलब तुम्हें फोन की चिंता है? ऑफकोर्स आपको गिरने दूंगी, तुम तो रस्सी हटा दी इन्होंने, अब चलने वाली है गाड़ी। तो निकल चुका है ये दूसरा, आ गया, अभी इसमें लोड करेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल, क्या बात है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, डर नहीं लग रहा मेरे को, तो चक्कर से आ रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है। ओ मम्मी, पहुंचने वाले हैं हम, हमने ऊपर से वीडियो बनाई है, अब एक बार नीचे के भी दर्शन दिखा देते हैं कि नीचे से कैसे लगता है। ओ
की भीड़ है भैया। पहुंच गए पेड़ भी है और रुक गया है, अब उतरने वाले हैं। तो फाइनली उतर के आ चुके हैं, चक्कर आ रहे हैं, जिंदा वापस आए हैं। इस चीज़ की बहुत खुशी है मेरे को कि वापस लौट आए हम, और बड़ा अच्छा लग रहा है। और सुबह से आज हमने कुछ भी नहीं खाया नाश्ते के अलावा, तो पहले चलते हैं थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं। तो गाइस अब हम लोग जाने वाले हैं ताज होटल के अंदर और खर्चा करने वाले हैं तगड़ा वाला। मेरा ना हार्ट फेल सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जितना जेब में है ना वो फिजूल खर्च हो जाएगा। ताज में तुम खाना खाने वाली हो भैया, लोन लेना पड़ेगा। HDFC बैंक वाले का नंबर है क्या आपके पास जो मेरे को लोन दे दे? लोन जब वो लोन देंगे ना भैया, किस लिए लोन चाहिए था भैया? ताज में खाना खाना था इसलिए लोन चाहिए। ये तो कह रही खाना खाऊंगी। चलो आज इस स्वाति की इच्छा पूरी कर देते ताज। तो आज स्वाति की इच्छा पूरी कर देते ताज में, हम स्वाति को खिलाते हैं खाना। आ जाओ मैं भी खाऊंगा, स्वाति के जरिए मैं भी खा लेता हूँ, स्वाति के जरिए मैं भी वो काम कर लेता हूँ जो मैं कभी सोच सकता था। अब जब से स्वाति आई है तो मैं भी वो कर देता हूँ बिना झिझक। बाद में टेंशन होती है लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हो गया तो एक बार चलते हैं। तो ताज में आ चुके हैं हम लोग, यहाँ पे मैं रात को बैठा करता था और सामने देखता था हाँ कि अंबानी ने भी 250 रुपए की चाय कैसे पी होगी। ये गोल्डन मैन खड़ा भाई, अरे वो नहीं है तो क्या। कैसे सर? तो गाइज मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं ताज के पास बैठ कर चाय पीऊंगा, ये देखिए ये। और स्वाति का मुंह उतर चुका है पूरा, अंदर भी नहीं है, हैं? अंदर भी नहीं है। चलो चाय लेके चलो, भगा देंगे ऐसे ना। क्यों? देखो ये चाय बेस्ट है, अंदर की तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, अंदर की फीकी होगी, और अंदर जाके चाय भी तुम्हें बनानी पड़ेगी, चीनी भी खुद डालनी पड़ेगी, क्या फायदा इतने पैसे देने का। ये बनी बनाई चाय स्पेशल 20 रुपए की। पोहा खाओगी तुम बर्बाद हो जाओगी, लोन लेना पड़ेगा मेरे को। नहीं ना भैया। तो भाई सच बता रहा हूँ, ये जो 10 रुपए की चाय पीने का सुकून है ना, वो ताज के अंदर बैठ के पीने का मजा नहीं। ये मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ, तो तसल्ली समझ लो भैया। मेरे पे चाहे जितना पैसा आता मैं फ्री भी अंदर बैठ के ना पीऊँ। फोन मत कर दिया, नीचे पानी है, ताज के बाहर चाय। नसीब वालों को मिलती है ताज के सामने चाय। तो फाइनली हम लोग ताज के बाहर चाय पी के आ चुके हैं, कैसा लगा? मैं सच बता रहा हूँ मेरा अंदर जाना गवारा नहीं कर रहा था। तो गाइज फाइनली हम ताज के बाहर से चाय पी के आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगा। मैं सच बता रहा हूँ मेरा दिल गवारा ही नहीं कर रहा था अंदर जाने का। मगर 3,000 रुपये की दो चाय प्लस GST 3,500 का बिल बैठता, 3,500 का मेरे घर में राशन आ जाएगा महीने भर का। तो बाहर चाय पी 10 रुपये की एक नंबर चाय, मज़ा आ गया। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अब इसने मुंह उतार लिया अपना, मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था, मैं गया ही नहीं। मैंने कहा जिस काम को करने के लिए दिल गवारा करे वो करना चाहिए, फालतू का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट ऑफ मनी है। मेरे पास चाहे जितना पैसा हो जाएगा मैं तब भी ताज में 1500 की चाय कौन पीता है यहाँ। क्या कह रही हो? तुम्हारे पास पैसा होगा तुम जाओगी, मेरे पास चाहे जितना होगा तो भी मैं ओबेरॉय तक सोच सकता हूँ, लेकिन ताज राम राम राम। तो चलते कुछ खा लेते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाया। ताज होटल का खाना कैसा लग रहा है स्वाति? ताज होटल में खाना खा रही तुम?